हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। तो गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी हेल्दी और क्रिस्पी नज़ा रेसिपी, और बहुत कम सामान में बनाने वाले हैं। अब बहुत हेल्दी है ये, और देखिए देखने से बहुत टेस्टी लग रही है। आप सोच रहे हैं कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे लिए, तो नाश्ता आपके लिए है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे हाफ कप चावल लिया है, और हाफ कप मैं यहाँ पे साबुत मूंग लिया है, जो छिलका वाला मूंग आता है ना, ग्रीन वाला, वो मैं यहाँ पे 2 से 3 घंटे लिए पानी में फुला कर रख लिया था। देखिए मेरा अच्छे से फूल चुका है ये मूंग, और चावल भी मेरा अच्छे से फूल चुका है, और मैं यहाँ पे अच्छे से छान लेती हूँ। देखिए मेरे 1 कप हो चुका है पूरा ये, इसको मैं आप देखिए 1 कप है पूरा ये। और मैं यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिया है, जिसे मैंने छिलका यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए, और मैं यहाँ पे इसको कट लगा लेती हूँ, काट लेती हूँ पतला पतला सा। देखिए मैं यहाँ पे काट लेती हूँ पहले इनको, ये सभी को मैं अच्छे से टुकड़े में कट कर लूंगी। आलू को मेरा दोनों आलू अच्छे से कट हो चुका है ये। और मैं यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है, और जो चावल और दाल में फुल निकाली थी उसमें ऐड कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आलू डाल लेती हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे इसकी भी कर सकते हैं। देखिए मेरा अच्छे से फाइन पेस्ट बन चुका है इनका, हमें इनका ऐसे ही रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे बिना पानी के पीसा है, और मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है, और यहाँ पे मैं 1 चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ, और 1 चम्मच सफ़ेद तेल डाल रही हूँ। सफ़ेद तेल डालने से बहुत टेस्टी आता है, बनता है ये। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और उसी कप से मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही थी, जो चावल लिया था ना वही कप से मेरे 1 कप पानी है ये। देखिए पानी उबाल आ चुका है, और जो मैं यहाँ पे चावल और दाल पीस के रखी थी उसमें ऐड कर लेती हूँ। बहुत हेल्दी, बहुत क्रिस्पी सा रेसिपी है, और बहुत टेस्टी भी लगता है ये। देखिए पूरा मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है। चलिए हमें इनको चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें इनमें गुटली उठली नहीं रखना है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ। 1 पिंच में यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून में जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून में काली मिर्च डाल रही हूँ। चलिए मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए इनमें, अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इनको। पूरा हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है, हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो इनके नीचे से पूरा गुठली लग जाएगा ये। चलिए हम मिलाते हुए उसे अच्छे से मिक्स कर लेता है। और मैं यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, आप यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। देखिए हमें अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है, अच्छे से गाढ़ा कर लेना पहले। बहुत इजी है, आप बच्चों का टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम को चाय के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। अब मैंने यहाँ पे मूंग से बनाया है, तो बहुत हेल्दी भी है ये। देखिए पूरा मेरे अच्छे से गाढ़ा हो रहा है ये, मैं और इनको गाढ़ा कर लेती हूँ पहले। पूरा मेरे अच्छे से गाढ़ा, देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है ये, पूरा अच्छे से गाढ़ा हो रहा है ये। पूरा मेरा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, मैं अब इनको ठीक, अब मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल रही हूँ, इसे हमें अच्छे से इनको फैला सकूँ। हमें बड़ा सा प्लेट चाहिए। देखिए अब मैं इनको अच्छे से फैला लेती हूँ, और हमें इसको 5 से 6 मिनट के लिए साइड में रख लेना है, तो अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए पूरा अच्छे से मेरा सेट नहीं हुआ है, और मैं इनको अच्छे से रख लेती हूँ। अब देखिए मेरा अच्छे से सेट हो चुका है ये, और मैं यहाँ पे कट लगा लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ना, आप अपने पसंद से ना आप शेप दे सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे साइड साइड का पार्ट निकाल लेती हूँ। देखिए आप अपने पसंद से इसमें आप डिजाइन दे सकते हैं, चौकोर रख सकते हैं, आप ट्रायंगल भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 4 टुकड़ा बनाऊंगी, इधर से 4 और साइड से 4 टुकड़ा। देखिए मैं अब निकाल लेती हूँ, हमें सभी को ऐसे ही निकाल लेना है। मैंने देखिए सभी को निकाल लिया है यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे तेल गर्म भी हो चुका है। और देखिए मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मैं यहाँ पे एक एक करके इसमें फ्राई करते रहूँगी, सबको ऐड कर लूँगी। पहले हमें इनका फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखना है। देखिए और हमें अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करना है इनको। बहुत हेल्दी और क्रिस्पी सा रेसिपी, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे तो आपको लाइक जरूर करना, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं अब इनको पलट लेती हूँ, हमें दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे से मेरे सुनहरा कलर आ रही है,
आप देंगे ना सभी को, बहुत पसंद आने वाला है ये। आप यहाँ बचाए गए साथ देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। और देखिए मेरा अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, कलर भी बहुत सुंदर आया ये। और मैं अब निकाल लेती हूँ यहाँ पे, आप देखने से अंदाजा लगा सकते होंगे। मैं यहाँ पे सभी को निकाल लेती हूँ, देखिए। और मैं यहाँ पे ना डोसा वेज फ्राई कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे दोनों अच्छे से सेम प्रोसेस में इनको भी फ्राई कर लेना है, देखिए। और मैं अब इनको भी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेती हूँ, देखिए। मैं अब इनको निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छे से मेरा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। मैं यहाँ पे सर्व कर लिया है, आप यहाँ पे देखिए चटनी के साथ खा सकते हैं या चाय के साथ आप खा सकते हैं। देखिए बहुत मेरा क्रिस्पी बना है ये, बहुत टेस्टी बना है ये और हेल्दी तो है ये, देखिए। अगर आपको जल्दी में कुछ चटपटा या टेस्टी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका रेसिपी कैसा लगा। देखिए मैंने यहाँ पे कितना कम समय में बनाया ये और टेस्टी भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक से।